इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अमेरिका ने पॉपुलेशन कम करने की डिमांड की है और इस वजह से हर साल अमेरिका में एग्जाम करवाया जाता है। अगर कोई भी स्टूडेंट इस एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसे मार दिया जाता है। इस एग्जाम को थिनिंग भी कहते हैं। इसके बाद सारे स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे जो 18 घंटे के बाद स्टार्ट होने वाला था। फिर हम एक लड़की लियाना और उसके भाई को देखते हैं जो कि उसकी एग्जाम की तैयारी करवा रही थी, पर उसके भाई को लग रहा था कि वह इस एग्जाम में फेल हो जाएगा। उसका भाई लियाना से कॉन्टेक्ट लेंस मांगता है जिसे वो पहनकर एग्जाम में चीटिंग करके पास हो सकता है। इस लेंस में क्वेश्चन के आंसर दिखने लगते हैं और लियाना उसे कॉन्टेक्ट लेंस दे देती है और उसे कहती है कि इस लेंस को यूज करने के बाद डिस्ट्रॉय कर देना। पर तभी लियाना को डॉक्टर का कॉल आता है। लियाना कॉल के बाद अपने छोटे ब्रदर सिस्टर को हॉस्पिटल में लेके आती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद डॉक्टर लियाना से कहते हैं कि तुम्हारी मदर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें उन्हें अच्छा फील करवाना होगा। फिर इसके बाद हम एक गवर्नर का हाउस देखते हैं। घर के अंदर एक गवर्नर के बेटे को देखते हैं जिसका नाम ब्लैक था। अब वो अपने गार्ड के पास आता है और उसे किचन में खाना लाने को कहता है। गार्ड जब किचन में जाता है इधर मौका देखकर ब्लैक घर से बाहर आ जाता है अपनी फ्रेंड एली से मिलने के लिए। फिर कार में एली ब्लैक से कहती है कि तुम्हारा अब ये प्लान काम नहीं करेगा। ब्लैक एली को कल के एग्जाम के बारे में बताता है कि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। एली भी उससे कहती है कि मैं थोड़ा सा घबराई हुई हूँ। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और ब्लैक को पकड़कर उसके फादर के पास ले जाते हैं। वहाँ पर ब्लैक के फादर उसको गले लगाते हैं और कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम स्कूल को देखते हैं जहाँ पर स्टूडेंट एग्जाम देने आए थे। वहाँ पर काफी सारे गार्ड थे जो सबको चेकिंग कर रहे थे और उन पर नजर रख रहे थे। और वहाँ पर हम लियाना के ब्रदर को भी देखते हैं। उसका कॉन्टेक्ट लेंस कहीं गिर जाता है जिसे ढूंढने के लिए वह चारों तरफ उसे खोजने लगता है। तभी वहाँ पर गार्ड उसकी हरकत को देख लेते हैं और उसको आगे चलने को कहते हैं। लियाना भी एग्जाम देने आई होती है। तभी वहाँ पर ब्लैक आ जाता है और उसे चीटिंग वाली कॉन्टेक्ट लेंस मांगता है, पर लियाना ने कॉन्टेक्ट लेंस तो अपने भाई को दे दिया था जिस वजह से वो उसे मना कर देती है। इधर गार्ड को एक स्टूडेंट के पास चीटिंग की डिवाइस मिलती है जिसे गार्ड उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। इसके बाद सारे बच्चे एक रूम में एग्जाम देने के लिए बैठे होते हैं। वहाँ पर टीचर सभी को गुड विशेस देती है और यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। फिर इनका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। कुछ देर के बाद एग्जाम खत्म हो जाता है। एग्जाम खत्म होने के बाद सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा घबराए और परेशान होते हैं। तभी वहाँ पर गार्ड आते हैं और फेल हुए स्टूडेंट को अपने साथ लेके जा रहे थे। फेल स्टूडेंट काफी ज्यादा रो रहे थे पर गार्ड उन्हें जबरदस्ती लेके जा रहे थे। और इस एग्जाम में ब्लैक की फ्रेंड एली भी फेल हो जाती है जिसे गार्ड उसे ले जाते हैं। यहाँ पर लियाना देखती है कि उसका भाई भी फेल हो गया है और उसको भी उस जगह पर लेके जा रहे थे। पास हुए स्टूडेंट को टीचर गुड विशेस करती है। इधर ब्लैक अपने फादर को कॉल करता है और एली को बचाने को कहता है, मगर उसके फादर उसे मना कर देते हैं और उसे कहते हैं कि ये रूल सबके लिए है। अब ब्लैक ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और एली को बचाने के लिए जाता है। रास्ते में वो काफी सारे गार्ड से फाइट करता है पर ब्लैक एली को बचा नहीं पाता। फिर हम एक साल के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से एग्जाम शुरू होने में एक दिन बचा होता है। लियाना अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रही थी और इसकी मदर की भी डेथ हो चुकी थी। इधर ब्लैक अपने रूम में वर्कआउट कर रहा होता है। उसके सामने एली की भी फोटो लगी थी। फिर ब्लैक तैयार होकर बाहर आ जाता है और एक डस्टबिन में लेटर गिरा देता है। घर में ब्लैक के फादर टैबलेट में न्यूज देख रहे थे जहाँ पर उन्हें ब्लैक का एक वीडियो मैसेज दिखता है। उसमें ब्लैक कहता है कि मैं इस टेस्ट में जानबूझकर फेल हो जाऊंगा और आपको इस सिस्टम को चेंज करना ही होगा, जिसे सुनकर ब्लैक के फादर घबरा जाते हैं और वो ब्लैक को एग्जाम ना देने की डिमांड करते हैं। पर स्कूल में अब एग्जाम स्टार्ट हो गया था और स्कूल के सारे गेट भी बंद हो जाते हैं। इधर स्कूल में छोटे बच्चों का भी एग्जाम शुरू हो गया था जहाँ पर उन्हें एक वीडियो क्लिप दिखाई जाती है जिसमें कार्टून कैरेक्टर कहता है कि अमेरिका ने पॉपुलेशन कम करने के लिए ये एग्जाम बनाया है। अगर कोई भी बच्चा इस एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसे सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा या मार दिया जाएगा और यहाँ पर इंटेलिजेंट लोग भी सर्वाइव करेंगे। फिर छोटे बच्चे और बड़े बच्चे एग्जाम देने लगते हैं। यहाँ पर ब्लैक अपना एग्जाम जल्दी जल्दी दे रहा था जिसे गार्ड नोटिस कर लेता है। इधर लियाना का भाई अपना हाथ खड़ा करता है और टीचर से क्वेश्चन पूछता है, पर टीचर को स्टूडेंट को कुछ भी बताने के लिए मना था जिस वजह से वह उसे कुछ भी नहीं बताती और उससे कहती है कि अपना एग्जाम अच्छे से करो। और अब कुछ देर बाद एग्जाम खत्म हो जाता है जहाँ टीचर छोटे बच्चों से कहती है कि मैं जिस बच्चे का नाम लूंगी वो खड़े हो जाओ, और धीरे धीरे वहाँ से सारे बच्चे खड़े होने लगते हैं। इधर बड़े बच्चों का भी एग्जाम खत्म हो गया था और लियाना भी एग्जाम में फेल हो चुकी थी। वहाँ पर गार्ड लियाना को ले जाते हैं और ब्लैक इस एग्जाम में पास हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता। इधर ब्लैक के फादर को कॉल आता है और वह आदमी उससे कहता है कि आपका काम हो गया। इधर जो बच्चे फेल हो गए थे उन्हें एक रूम में गार्ड लेके जा रहे थे। वहाँ पर लियाना की टीचर आती है और गार्ड से कहती है कि लियाना मेरी सबसे स्मार्ट स्टूडेंट है, यह फेल नहीं हो सकती। फिर गार्ड उनसे कहता है कि मैं अभी कंट्रोल रूम से बात करता हूँ। बात करने के बाद उन्हें पता चलता है कि कंट्रोल रूम से कोई भी गलती नहीं हुई है। लियाना की टीचर लियाना को गुड बाय कहती है और उसे गले लगकर कहती है कि भगवान दूसरा चांस सबको देता है और उसको अपनी की कार्ड देती है। फिर जो बच्चे फेल हुए थे उन्हें एक हॉल में लाया जाता है। उनके पीछे ब्लैक भी आ जाता है। गार्ड उन सबके कपड़े उतार कर दूसरे कपड़े देता है और उन्हें वहाँ पर बांध देता है।
वहाँ पर गार्ड इंजेक्शन लेकर खड़े होते हैं, जिसे वहाँ पर सारे बच्चे डरने और रोने लगते हैं। इधर ब्लैक बीमारी का नाटक करके एक गार्ड को अपने पास बुलाता है और इसे मारकर वहाँ से एक रूम में आ जाता है। वहाँ पर एक स्क्रीन में पासवर्ड लगा था जिसे ब्लैक खोल नहीं पाता। फिर ब्लैक स्कूल के पूरे पावर को ऑफ कर देता है। उधर कंट्रोल रूम का हेड उस गार्ड को देख लेता है जिसे ब्लैक ने कुछ देर पहले मारा था। फिर जिस रूम में वह सारे बच्चे थे, मौका देखकर वहाँ से कुछ बच्चे भागने लगते हैं। लियाना भी जल्दी से भागने लगती है और अपनी टीचर की दी गई कीज कार्ड को यूज करके दरवाजा खोलकर वहाँ से भाग जाती है। फिर जब गार्ड वहाँ पर स्टूडेंट की गिनती करते हैं तो लियाना वहाँ पर नहीं होती है। इधर लियाना वहाँ से भाग रही थी, तभी उसे गार्ड देख लेता है और उसके पास जाता है। लियाना गार्ड से कहती है कि मैं एक टीचर हूँ, और वो अपना की कार्ड उस गार्ड को दिखाती है और उससे कहती है कि मैंने एक लड़की को इधर से भागते हुए देखा था। फिर गार्ड आगे बढ़ता है, तभी पीछे से मौका देखकर लियाना उस गार्ड पर हमला कर देती है। वहाँ पर ब्लैक भी आ जाता है और दोनों उस गार्ड को मारकर बेहोश कर देते हैं। लियाना ब्लैक से कहती है कि मैं फेल नहीं हो सकती। इस पर ब्लैक कहता है कि मैंने पेपर तो सही से दिया ही नहीं था, पर मैं पता नहीं कैसे पास हो गया। इधर कंट्रोल रूम का हेड सभी से कहता है कि हमें स्कूल में लाउटर लगाना होगा जब तक लियाना मिल ना जाए, और वैसे भी पेरेंट्स को कितना भी वेट करना पड़े अपने बच्चों के लिए। इधर लियाना और ब्लैक एक वेंटिलेशन के अंदर से सर्वर रूम में जा रहे थे। उधर वहाँ का हेड सारे टीचर को एक रूम में बुलाता है जहाँ पर वह सारे टीचर की कार्ड को चेक कर रहे थे। इधर जहाँ पर सारे स्टूडेंट थे, स्टूडेंट और गार्ड में बहस होने लगती है और गार्ड उसे एक चीज से मारता है, जिसे वहाँ पर एक लड़का उसे रिकॉर्ड करके अपने रिपोर्टर फ्रेंड के पास भेज देता है। इधर दोनों वेंटिलेशन से आगे बढ़ रहे थे, तभी लियाना के हाथ से की कार्ड नीचे गिर जाता है। उसे लेने के लिए वह नीचे उतरती है, तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है। ब्लैक जल्दी से लियाना को छुपा देता है, मगर उस गार्ड ने ब्लैक को देख लिया था और उस पर वो हमला करने लगता है। ब्लैक उससे फाइट करके उसको बेहोश कर देता है और उसके कपड़े पहन लेता है। इधर लियाना की टीचर एक टीचर से फ्लर्ट करके उसके पास से चाबी ले लेती है। जब वो हेड सबकी तलाशी लेता है तो उसे उस आदमी के पास की कार्ड नहीं मिलता, जिसे हेड समझ जाता है कि इसने ही लियाना को यहाँ से भगाया है और उसे एक जोर से पंच मारता है। इधर लियाना सर्वर रूम में पहुंच जाती है। वहां पर आकर वह उसे खोलने की कोशिश करती है, पर वहां पे पासवर्ड लगा था। लियाना अपने की कार्ड से खोलने की कोशिश करती है, पर कुछ भी नहीं होता। फिर लियाना अपने फ्रेंड को मैसेज भेजती है और उसे हेल्प मांगती है। वह लियाना को एक वीडियो मैसेज भेजती है। फिर लियाना उसमें पासवर्ड डालकर जैसे तैसे उसे खोल देती है और उसे पता चलता है कि वह 98% से पास है, जिसे देखकर वह शॉक हो जाती है। लियाना एली का भी नंबर चेक करती है और वह देखती है कि वह अच्छे नंबर से पास हुई है, पर उसको भी फेल कर दिया था। लियाना ब्लैक का भी नंबर चेक करती है, ब्लैक सिर्फ 15% से पास था और उसे फेल नहीं किया गया था। लियाना एक वीडियो देखती है जिसे ब्लैक के फादर मीडिया से कह रहे थे कि लियाना फेल थी, फिर भी वहाँ से भाग गई और उसने दो गार्ड को भी मार दिया, जिसे देखकर लियाना परेशान हो जाती है। यह सब लियाना देख ही रही थी, तभी गार्ड उसे कैमरे की मदद से देख लेते हैं और वह वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेते हैं। लियाना उन गार्ड से कहती है कि मैं फेल नहीं हूँ और मेरे पास सबूत भी है। अब स्टूडेंट के सारे नंबर मीडिया वालों के पास चले गए थे, जहाँ पर वह कहते हैं कि लियाना ने इस एग्जाम में टॉप किया था, पर फिर भी उसे फेल कर दिया गया और गवर्नर के बेटे के कम नंबर आने के बावजूद उसको पास कर दिया गया। अब इस वजह से गवर्नर पर प्रेशर आ जाता है और उसको ऊपर से ऑर्डर आता है कि लियाना को छोड़ दो। फिर लियाना को वहाँ से छोड़ दिया जाता है और स्कूल में लॉकडाउन भी खत्म हो गया था। बाहर आकर लियाना अपने छोटी सिस्टर से मिलती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश थी और बाकी पेरेंट्स भी अपने बच्चों के आने से खुश थे। इधर गवर्नर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है। ब्लैक को भी पकड़ लिया जाता है, जिसे ब्लैक खुश था, और जो लोग फेल हो गए थे उन्हें एक लिफ्ट से एक जगह पर लाया जाता है, जहाँ पर वह एक फैक्ट्री को देखते हैं। यहाँ पर दवाई बनाई जाती है जो इन फेल स्टूडेंट पर टेस्ट किया जाता था। तभी ब्लैक एली को उस फैक्ट्री में काम करता देख शौक हो जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना।